रहीम, अहले ईमान बहनों, आज की रात अल्लाह सुबहाना व ताला बनू कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश फरमाएगा। मगर वही हज़रत जिब्राईल ने इस्लाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद लोग ऐसे हैं कि जिनकी बख्शिश अल्लाह ताला तब तक नहीं फरमाएगा जब तक वो खालिस तौबा ना कर लें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, या जिब्राईल, वो कौन से लोग हैं? तो जिब्राईल ने फरमाया, चुगलखोर, शराबी, जादू करने वाले, तकबर करने वाले, माँ बाप के नाफरमान, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने वाले। ईमान वालियों, अल्लाह सुबहाना व ताला ने कुरान मजीद फरकान हमीद में फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारं वकूदुहन नस वल हिजारा, कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने करीबियों को दोज़ख की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो अहले ईमान बहनों, जो दोज़ख की आग से बचना चाहता है उसे चाहिए, यानी कि हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नाफरमानी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को हकीर ना जाने, किसी पर जुर्म ना करें, झूठ ना बोलें, गिबत ना करें, चुगलियां ना करें, और जितनी भी ऐसे अमल हमारे काम हैं जिससे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नाराज हो जाएं, हमें ऐसे हर किस नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें हमा वक्त ऐसा अमल करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि आज की रात हम तौबा नहीं, खालिस तौबा के जरिए अपने मालिक व मौला को राज़ी करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। उस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।